दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में मास देखने वाले BCSL 034 का जो हमारा DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो का प्रैक्टिकल है और उसका जो वाइवा एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उससे रिलेटेड हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 2022 के लिए स्टूडेंट के लिए है, लाइक जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि बहुत पुराने पुराने वीडियो पे लोग जाके उसको देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन हैं, मैम ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। सो नहीं, आप लोग को ये सब हरकतें नहीं करनी है। आप लोग वही वीडियोस देखो जो एक मंथ पुराने हैं या अभी वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है, वैसे वीडियोस ही देखो। फर्स्टली, आपके पास आपके बुक से बहुत लैब बुक से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेसिकली आपके थ्योरी पेपर से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया और उन्होंने बताया कि मैम आपने जो बताया वो सब तो ठीक था, बट एक्स्ट्रा भी हमसे पूछे जा रहे थे जो हमारे थ्योरी बेसिस के थे, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप इन एक वीडियो से आप क्लियर कर लोगे कि सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो बहुत हो चुके कल एग्ज़ाम्स हैं, लाइक BCSL 021 के, और कितनों के हो रहे हैं, ठीक है। सो वो जाके अपना वीडियो चेकआउट कर लेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सारे प्रैक्टिकल के वीडियो के। एंड हाँ, असाइनमेंट से रिलेटेड जो आपके जितने भी क्वेरीज हैं कि असाइनमेंट क्या मेरे को जिसका जून में एडमिशन हुआ है उसको भी वही बनाना था 2021-22 का, और जो जनवरी 2022 में एडमिशन हुआ उनको भी वही बनाना, तो हाँ आप दोनों को वही बनाने थे जिन्होंने जुलाई 2021 में बनाया, वो ठीक है। वही क्वेश्चंस आप लोग के लिए भी हैं, ओनली फॉर बीसीए के लिए, बाकी कोर्सेज का हमने मैं नहीं जान रही हूँ। सो असाइनमेंट भी सारे के सारे अपलोड हैं आपके 6th सेमेस्टर तक के बीसीए स्टूडेंट के लिए, और एमसीए स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियोस नहीं बनाए, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पर अवेलेबल है, ठीक है। चैनल पर भी है टेलीग्राम ग्रुप के, और टेलीग्राम में जो एक ग्रुप है उसमें भी है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे DBMS इंटरव्यू टाइप्स क्वेश्चंस मैं यहाँ दिखाऊंगी, और वो क्वेश्चन दिखाऊंगी जो आपके लैब बुक में अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे जो हमारे बुक के बाहर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिकली आपके बुक के टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ तो आपके बुक में 6-7 ही टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उनको क्लियर करने के बाद मैं आगे के टॉपिक को भी देखूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बुक में जो आपके सेक्शन 1 है उसमें आपको दिया हुआ है कि MS Access क्या है, ठीक है। MS Access क्या है? सो MS Access एक तरीके का माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है जो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का भी कहलाता है, ठीक है, एक्सेस करता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को कंबाइन करता है रिलेशन एक्सेस डेटाबेस इंजन को। लाइक देखो, माइक्रोसॉफ्ट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? DBMS है, लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का, दैट कंबाइंस द रिलेशनल एक्सेस डेटाबेस इंजन। माइक्रोसॉफ्ट जो है ना, एक कॉम्बिनेशन रिलेशन एक्सेस डेटाबेस का इंजन लाइक, ठीक है, विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये जो है आपका MS Access ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर एक तरीका एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है, लोग जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो इस चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है। इतना आपको डिफिनीशन देना है बस। बेसिकली आपसे 7 मिनट का आपका शेड्यूल है, आप 7 मिनट ही आपसे 7 मिनट ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली 6-7 क्वेश्चन होंगे एंड बहुत इजी क्वेश्चन होगा। बट हाँ, आप लोग को एक गंदी आदत मुझे नज़र आई, क्योंकि मेरे जितने भी ग्रुप में स्टूडेंट थे मैंने उन लोग को हर बार बोला था कि आप क्वेश्चन को मिस आउट बिल्कुल नहीं करना कि यार मेरे को नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आप आंसर करो। बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा कि उन्होंने छोड़ ही दिया था क्वेश्चन, जैसे कि MS Access पूछा गया था उनसे BCSL 013 में भी, तो उन्होंने ये चीज़ को मिस कर दिया था। सो व्हाट इज डेटाबेस क्रिएशन? डेटाबेस क्रिएशन क्या है? ये भी आपके बुक में एक टॉपिक है, डेटाबेस क्रिएशन क्या है। ये डेटाबेस क्रिएशन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ डेटाबेस है जिसको आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप एक बार अपने लैब के बुक को जरूर चेक कर लेना, और जिसके पास बुक नहीं है वो एक
सॉफ्टवेयर बुक से यानी सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकता है, पीडीएफ अवेलेबल है इंटरनेट पर। और अगर नहीं है तो आप मेरे को, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, सो मोस्ट पीपल नो दैट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू क्रिएट, मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, मोस्टली पीपल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS, उसका यूज़ करते हैं क्रिएशन में, मेंटेनेंस में, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, राइट? तो व्हेन फर्स्ट क्रिएटिंग अ डेटाबेस, यू वुड क्रिएट द डेटाबेस फाइल यूजिंग अ प्रोग्राम लाइक एक्सेस। ओके, जब आप कोई भी फर्स्ट प्रोग्राम फर्स्ट क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करते हो, यू वुड टू क्रिएट डेटाबेस फाइल यूजिंग प्रोग्राम लाइक एक्सेस। आप एक्सेस जैसे चीज़ पे क्रिएशन को कर सकते हैं। आप एम एस एक्सेस आप अपने कंप्यूटर्स वगैरह में जाके चेक कर सकते हैं, एक बार ओपन करके ज़रूर देखिएगा कि वहाँ टूल बार रॉ कैसे है, कॉलम क्या है, आपको जैसे कि क्वेरीज़ क्या होते हैं, फाइंड क्या होता है। ठीक है, आपसे ये नहीं है कि आपसे भी शॉर्टकट्स की पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप शॉर्टकट्स की को भी रिमाइंड कर लेना एक बार। आपसे कॉलम्स रॉ डेटाबेस में रॉ को क्या कहा जाता है, फाइल्स को क्या कहते हैं, टेबल को क्या कहते हैं, ठीक है, कॉलम्स को क्या कहते हैं, इन सब का मीनिंग्स कुछ अलग होता है। कॉलम्स को यहाँ फील्ड कहा जाता है, ओके, और रॉ को रिकॉर्ड्स के रूप में देखा जाता है। यहाँ टेबल को रिलेशन कहा जाता है, लाइक ओके। सो व्हाट द यूज़ ऑफ डेटाबेस टूल, डेटाबेस टूल क्या है? आप एक बार ना एक्सेस खोल के एक बार आप डेटाबेस टूल को जरूर चेक कर लेना कि व्हाट इज़ डेटाबेस टूल। ठीक है, डेटाबेस टूल इज़ अ कलेक्टिव टर्म्स फॉर टूल्स यूटिलाइज एंड एक्सिस्टेंस दैट यू कैन यूज टू परफॉर्म डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क। डेटाबेस टूल्स क्या होता है ना कि कलेक्टिव टर्म्स होते हैं, लाइक कुछ औजार। टूल्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास, देखो आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप अपने टूल्स को रेडी करते हो, राइट? आपके टूल्स क्या हो सकते हैं, लाइक पेन हो सकता है, पेंसिल्स, रबर्स, शार्पनर्स हो सकते हैं, स्केल्स हो सकता है, योर आई कार्ड्स, योर हॉल टिकट्स, राइट? तो ये सब आपके टूल्स हैं फॉर एग्ज़ाम्स देने के लिए आपके ये टूल्स हैं। तो उसी तरीके से डेटाबेस जब आप क्रिएशन करने जाते हो तो आपका जो कलेक्टिव डेटा होता है उस डेटा को यूज़ करता है। आपके डेटाबेस टूल क्या हो सकते हैं, जैसे कि ओपन हो गया, डिज़ाइंस हो गए, फाइल्स को न्यू करना हुआ, टेबल्स हो गया, क्वेरीज हो गया, फॉर्म हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, पेजेस, माइक्रोस, मॉड्यूल्स, ग्रुप्स। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेक्शन का भी ऑप्शन होता है, कट, अंडो, रीडो, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके टूल्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मोस्टली अब आप देखो कि फॉर्म्स क्या होता है, फॉर्म्स और प्रोसीड्यूर होते क्या हैं। लाइक पहले उससे पहले आप क्वेरीज जान लो कि क्वेरीज क्या होता है। क्वेरीज बेसिकली एक सेलेक्ट रिकॉर्ड होता है फ्रॉम वन टू मोर टेबल्स इन डेटाबेस, सो दैट दे कैन बी व्यूड एंड एनालाइज द एंड स्टोर और कॉमन डेटा डेट सेट्स। ओके, या डेटा भी कह सकते हो, ठीक है। एंड ये क्या होता है ना कि एक तरीके का सिलेक्शन रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड्स मीन सब रॉ, ओके, एक रॉ होता है जिसमें आप डेटाबेस को व्यू करते हो, एनालाइज करते हो, किसी भी चीज़ को सॉर्ट करते हो एंड कॉमन डेटा को यूज़ करते हो। ठीक है, द रिजल्टिंग कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कॉल्ड डेंसेट। आप एक बार ना अपने लैब बुक को ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। डेटा टेबल को क्रिएट कैसे किया जाता है वो भी आपके बुक में दिया हुआ होगा, आप चेक कर लेना। फर्स्टली आपको क्या करना होता है कि एक टेबल को क्रिएट करना होता है, तो क्रिएट द टेबल इन डिज़ाइन व्यू, व्यू विल अलाउ टू क्रिएट द फाइल ऑफ टेबल। ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद आपको फॉर्म्स के बारे में पूछा जाएगा कि फॉर्म्स क्या होते हैं, टू क्रिएट अ फॉर्म्स यूजिंग आईजोड। फर्स्टली आपको क्या करना होगा कि आप आईजोड को ओपन करोगे, क्लिक द क्रिएट फॉर्म बाय यूजिंग आईजोड ऑप्शन टू ऑन द डेटाबेस विंडोज। ओके, एंड फॉर्म्स और टेबल्स को, फॉर्म्स टेबल्स या क्वेरीज को आप अप डाउन मेन्यू में चेक कर सकते हो, लाइक मेन्यू भी आपका एक टूल बार हो गया। ठीक है, एंड इसी तरीके से है, आप एक बार
प्रॉपर चेकआउट कर लेना। फॉर्म इज़ क्या, फॉर्म में के अंदर आपको क्या मिल सकता है, हो सकते हैं आप बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में ऊट पटांग टाइप्स क्वेश्चन, ऊट पटांग्स नहीं कह सकते हैं बिकॉज कि आपके बुक से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्टली क्वेश्चन पूछता है कि DBMS क्या हो सकता है, DBMS क्या है। तो DBMS आप इस तरीके भी से भी बोल सकते हैं कि DBMS इज अ स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट फैसिलिटीज टू यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन डेटाबेस। ओके, इट्स ओके, इतना ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा कि भाई इसमें तुम क्या क्या कर सकते हो, तो आप इतना बता देना कि देयर इज नेम टू सम पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक MySQL, Oracle, SQL सर्वर, Amazon सैम्पल्स। ठीक है, तो हमने तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानते हैं कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज अ लॉजिकल कंसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज कैन ईजिली टू बी एक्सेस मैनेज एंड अपडेट। लाइक डेटाबेस क्या होता है ना कि कलेक्शन, एक लॉजिकली एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है डेटा का जो इट कैन ईजिली टू बी एक्सेस्ड मैनेज्ड एंड अपडेट। किसी भी चीज़ को आप अपडेट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो किसी भी डेटा को जो आपने पहले से स्टोर कर रखा है, या आप क्रिएट कर सकते हो। डेटाबेस इज ऑल्सो नोज एज ए इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, विच इज़ यूज टू विच इज़ प्रोवाइड टू फैसिलिटी दैट इज क्रिएशन इंसर्शन अपडेट। ठीक है, हाँ, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वॉट इज़ द डेटाबेस सिस्टम। हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा, डेटाबेस क्या है, अब डेटाबेस सिस्टम क्या है वो भी देखो। द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड DBMS सॉफ्टवेयर टूगेदर इज नोन एज अ डेटाबेस सिस्टम। देखो, एक डेटाबेस का कलेक्शन एंड DBMS का जो सॉफ्टवेयर होता है उससे जब हम लोग कंपाइल्स वगैरह करते हैं तो एक तरीके का जिस चीज़ पे करते हैं वो एक साथ जो चीज़ होता है, यानी डेटाबेस और DBMS का जो टुगेदर बॉन्डिंग है, जो कलेक्शन है, विच इज़ डेटाबेस सिस्टम। ओके, दो लाइन का आंसर देना है, आपसे ज़्यादा पूछेगा ही नहीं, 7 मिनट उसके लिए आपको देने के लिए टाइम ही होता है। प्रॉपर अपना एक्सप्लेनेशन दो। अब आपसे पूछेगा कि एडवांटेज ही बता दो इसके, तो एडवांटेज कुछ इस तरीके से है, रिडंडेंसी कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, प्रोवाइड मल्टीपल यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी। अनऑथराइज्ड जो होता है आपके रिस्ट्रिक्शन करता है एक्सेस करने से, ठीक है, कंट्रोल करता है रिडंडेंसी को, एंड इसको प्रोवाइड करता है आपके मल्टीपल यूज़र इंटरफेस को। ऐसा नहीं कि आप एक ही कर सकते हो, एक ही यूज़र इंटरफेस कर सकते हैं, बट नहीं, इसमें आपको मल्टीपल यूज़र देता है, बैकअप रिकवरी देता है, ठीक है, इंटीग्रिटी कंसिस्टेंट देता है, डेटा कंसिस्टेंसी देता है। ठीक है, चेक पॉइंट इन DBMS भी देख लेना। चेक पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म वेयर इज ऑल प्रोवाइड लॉक्स आर रिमूव फ्रॉम सिस्टम एंड परमानेंटली स्टोर इन स्टोरेज डिस्क। ये चेक पॉइंट एक तरीके का मैकेनिज्म है जो कि प्रीवियस लॉक को रिमूव करता है सिस्टम से एंड परमानेंटली जाके स्टोर कर देता है स्टोरेज डिस्क पे। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, लाइक एसिड प्रॉपर्टीज एंड एक और है कुछ, याद नहीं आ रहा मेरे को। एसिड मतलब हो गया आपको, हाँ, दूसरा है आपका मेंटेनिंग, लाइक एसिड है आपका ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइडेंटिकेट एंड कुछ डेवलपमेंट इस तरीके से है, आप एक बार चेक कर लेना। हाँ, आपसे ये भी पूछ सकता है कि DBMS जो डेटाबेस का लैंग्वेज है वो कितने प्रकार का, तो बेसिकली 4 होता है, लेकिन आपको आपके बुक में आपको 2 ही पढ़ना है, ठीक है, जो कि आपका DDL और DML है। ठीक है, DCL और एक और है वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, तो DDL क्या होता है, डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है, इसका काम होता है क्रिएट और अल्टर एंड ड्रॉप का काम होता है, ठीक है, और कोई भी सिस्टम के फाइल के या डेटा को रीनेम करना। ठीक है, एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज DBML, ओके, विच इज सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट एंड डिलीट। देखो, बेसिकली सबका काम वही है, बट लैंग्वेज का यूज अलग है। देखो, अपडेट मतलब हो गया अल्टर, इंसर्ट मतलब हो गया ड्रॉप करना, डिलीट मतलब डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, लाइक, ठीक है, सिलेक्ट करना, उसी तरीके से है।
ठीक है। और DCL इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें ग्रांट और रिवोक का यूज़ होता है, इसमें दो ही काम ही होता है। एंड TCL में होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, विच इज कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट्स। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप अपने वाले मत समझना है, क्योंकि ये DBMS का रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है कि द रिलेशनशिप इज डिफाइंड एज एसोसिएशन अमॉन्ग टू एंड मोर एंटिटीज। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन इन DBMS, विच इज़ वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी, ठीक है। यही सारी चीज़ है जो आपको काम करेगी। फाइल प्रोसेसिंग एडवांटेज आप देख लो, नॉट सिक्योर डेटा रिडेंटिटी डिफिकल्टी एंड एक्सेस डेटा एंड डेटा आइसोलेशन एंड इंटीग्रिटी, ये सब आपको एक बार बस वीडियो देख लो, काम खत्म। चलो अब तो वीडियो को लाइक भी कर दो, इतना तब आ गए हो तो। व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ DBMS प्रोसेस विच इज हाइडिंग डिटेल्स फ्रॉम द मतलब अनवैल्यूएड यूजर से हाइड करता है, बिकॉज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम इज अ हाईली सिक्योर सिस्टम विच इज नॉट टू रिक्वायर एनी यूजर टू प्रोवाइड एनी डिटेल्स, ठीक है। जो हाइडिंग हाइड किया हुआ है वो हाइड ही रखता है, प्रोवाइड नहीं कर पाता, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन के थ्री लेवल है, फिजिकल लेवल, लॉजिकल एंड लेवल व्यू। रिलेशनल अलजेब्रा देख लेना, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा DBMS में कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है ना, कि एक प्रेसिडेटरी लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज, विच इज़ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे आप कह सकते हो कि आप, या सेट ऑफ ऑपरेशन भी कह सकते हो, ठीक है। विच हैज़ फ्यू फंडामेंटल ऑपरेशंस इन रिलेशन अलजेब्रा, विच इज़ सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, सेट ऑफ डिफेंस, यूनियन, इंटरसेक्शंस, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। रिलेशन कैलकुलस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आप एक बार देख लो, ये पढ़ लो, ओके। जो आपका नॉर्मलाइजेशन है, क्या है नॉर्मलाइजेशन? इज एनालाइजिंग गिवन रिलेशन स्कीमा रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शन FD, एंड FD इज व्हाट, फंक्शन डिपेंडेंसी। एक बार फंक्शन डिपेंडेंसी का डिफिनेशन देख लेना, एंड नॉर्मलाइजेशन के भी जितने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड और फोर्थ एंड फाइव सिक्स भी है, बट आप फोर तक देखो। फोर इज व्हाट की बाइसॉन्स करके कुछ है, ठीक है, उसको आप देख लेना। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइबर बढ़े तब तो मज़ा आए वीडियो भी बनाने में, ठीक है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।